हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का 25वां दीक्षांत समारोह शनिवार को मनाया गया, जिसमें केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनके साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी अतिथिगण में शामिल रहे। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों को 448 डिग्रियां और गोल्ड मेडल प्रदान किए गए, जिनमें 276 छात्राएं और 172 छात्र शामिल हैं। विवेक कुमार को डी लिट की डिग्री, जबकि अफगान के मोहम्मद शरीफ शाहीन को लोक प्रशासन में गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इन सभी विद्यार्थियों को केंद्रीय मंत्री ने स्वर्ण पदक और डिग्रियां प्रदान की। मुझे सबसे पहले तो विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, सभी टीचर यहाँ पर जो फैकल्टी में हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो बच्चों ने जो आज डिग्रियां हासिल की इस दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर, उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय न कि देश के अंदर सिर्फ, देश से बाहर भी अपना बहुत बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन दे रहा है। बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स यहाँ से पढ़ने के बाद जो है वो देश के अंदर और विदेश में भी जा कर के जो है बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इस बात के लिए हम सब लोगों को प्रसन्नता है। जहाँ तक बेटियों की बात है, इस बात की हमको खुशी है कि बेटियाँ एजुकेशन की फील्ड में ही नहीं, मैं समझता हूँ कि और भी फील्ड में भी है, वो बहुत आगे एजुकेशन की फील्ड में तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी हैं। और ये हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए, पहाड़ी प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है। तो आज के इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि ये 25वां दीक्षांत समारोह जो आज संपन्न हुआ, पिछली बार महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी आए थे, अब की बार हमारे केंद्रीय मंत्री निशंक जी आए थे और उनके साथ अनुराग ठाकुर जी और महामहिम राज्यपाल महोदय जी, हम सब लोग उसमें उपस्थित रहे और इस विश्वविद्यालय के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। उस विश्वविद्यालय से उपाधि लेकर के आज हम दीक्षांत के रूप में यहाँ पर सब एकत्रित हुए। ये क्षण जिन लोगों को उपाधि मिल रही है उनके जीवन के अमूल्य क्षण है, कभी न भुलाने वाले वो क्षण है जब वो एक योद्धा के रूप में मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और इसलिए हम सारा जो लोग भी इधर मंच पर बैठे हैं वो आपको शुभकामना देने के लिए आए हैं। मैं ये समझता हूँ ये देश विश्वविद्यालय, और जब मैं आपकी सुबह जब आपने अपना कुलगीत यहाँ पर बहनों ने गाया तो आपने शुरू ही किया है हिमालय से, आपने वेद पुराण उपनिषदों से शुरू किया है और आपने नालंदा का जिक्र किया है। इस देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जहां सारी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो कहा जाता था ये तद देश प्रसूत सकाशाधक्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्यम सर्व मानव, सारी दुनिया के मानव आओ भारत आपको कुछ देना चाहता है। और सारी दुनिया इन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती थी। वो विश्व गुरु भारत जिसको बड़ा विजन है, वो विश्व गुरु क्यों है, पूरे विश्व उसका परिवार है। हम एक और अयम यह परोवृत्ति गणना लघु चेत साम उदार श्रद्धा नाम तू वसुधैव कुटुंब कम, पूरी दुनिया में यदि पूरी वसुधा को अपना कुटुंब माना है तो केवल भारत ही मान सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं मान सकता। के क्षेत्र में एक अफगानिस्तान के प्रमुख बन के, दो केंद्रीय मंत्री बन के बड़े स्थानों पर गए। संजय करोल जी जो हमारे त्रिपुरा के चीफ जस्टिस भी बने हैं, अब तो बिहार के हो गए चीफ जस्टिस, और इस तरह से बड़े मुकाम पर जाने वाले बहुत सारे आपके पूर्व विद्यार्थियों के जब हमने नाम लिए, एक अरुण सिंह धूमल जो अभी बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बने, वो भी यहीं से एमबीए की डिग्री प्राप्त करके गए, तो हमने कहा कि वो विश्वविद्यालय जिसने बहुत सारे ऐसे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया, जिसने देश और विदेश में जाकर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है, तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं आइडियाज, इनोवेशन, इंटेंट, इस सबको आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। और वो तभी बढ़ेगा जब इंटरनेट भी होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सुविधाएं भी होगी। और आज आपने एक मांग रखी है
कि आपके यहाँ पर आईसीटी की बड़ी सुविधा मिले। आपने लगभग 5 करोड़ रुपए की मांग उस पर की है, माननीय कुलपति जी ने नहीं कहा लेकिन उससे पहले आपने कहा है। आप 50वें वर्ष में दाखिल हुए हैं, हिमाचल प्रदेश और अच्छा करे, अब तो आपके ही एक स्टूडेंट अरुण सिंह धूमल देश के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड के वो कोषाध्यक्ष बने हैं। बाकी खेलों में भी आप अच्छा करें, आपने इंडोर फैसिलिटी की बात कही और खेलों की सुविधाओं की बात कही है। मैं अपनी ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये खेलों की सुविधा भी एक अच्छी सुविधा आपकी हम यहाँ पर बनाकर देंगे, इस बात का विश्वास भी मैं आपको देना चाहता हूँ। अर्थ प्रकाश के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।